कोकराझार क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान गोली लगने से शहीद हुए गांव कल्याणपुर के 40 वर्ष जयमल खान को राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द एखाक कर दिया। वह नक्सल प्रभावित एरिया में तैनात थे। गमगीन माहौल में हजारों ग्रामीणों ने अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें अंतिम विदाई। वहीं शहीद के भाइयों और परिवार ने कहा कि हमें जयमल की शहादत पर फख्र है, शहीद जयमल अमर रहे के नारों से गूंज उठा पूरा। सीआरपीएफ की 129वीं बटालियन के निरीक्षक रुदल मंडल के नेतृत्व में जवानों की टुकड़ी शव वाहन में जयमल खान के पार्थिव शरीर को लेकर पहुंची। वहां मौजूद सैकड़ों बाइक सवार युवकों ने हाथ में तिरंगा लिए और भारत माता की जय व शहीद जयमल अमर रहे के नारे लगाए। इसके बाद शहीद जयमल के पार्थिव शरीर को उनके गांव कल्याणपुर ले जाया गया तो हजारों ग्रामीण वहां पहले से ही मौजूद थे। 24 मार्च को ही ड्यूटी से लौटे थे। शहीद के भाई सुलेमान ने बताया कि चार भाइयों में सबसे छोटा भाई जयमल वर्ष 2004 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए। एक माह की छुट्टी के बाद वह 24 मार्च को ड्यूटी पर लौटे। उनकी पत्नी रहीशा को सीआरपीएफ के अधिकारियों ने शहीद होने की सूचना दी थी। 30 मार्च को 13 वर्षीय बेटे अकरम से जयमल की फोन पर बात हुई। सुलेमान का कहना है कि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। गांव में आने पर भी वह सभी लोगों से परिवार की तरह मिलता था, बच्चों को भी देश की सेवा के लिए प्रेरित किया करता था। साथ ही उन्होंने बताया कि हम 6 भाई बहन हैं और हमेशा से ही जयमल में कुछ कर गुजरने का जज्बा था। हम सब में वही सबसे पढ़ा लिखा था। हमारे गांव के 120 के करीब जवान सीआरपीएफ में हैं। हमारे में सबसे छोटा था जयमल। उसकी कुर्बानी को पूरा देश कभी नहीं भूलेगा। हमें उसकी शहादत पर गर्व है। इसकी अभी ये पोस्टिंग थी जिसकी इसमें आसाम में जी। हमारे पास अभी जैसे 30 तारीख को शाम को फोन आया जी, न सुबह जी 10:30 बजे जी, कि आपके भाई को गोली लग गई है। जैसे हमने पूछा हमारा भाई की कैसी तबीयत है, उन्होंने फोन काट दिया जी। फिर हमने बाद में पता कराया कि हमारा भाई जो है पूरा हो चुका है जी। तो उसके घर वाली है जी, एक 13 साल का लड़का है जी उसके पास। मेरा नाम यासीन है जी, मेरे भाई का नाम था जयमल जी। और बचपन से शौक था, हम गरीब घर के हैं जी। हमारे मैम 4 भाई हैं जी, 2 बहना हैं जी। सिर्फ एक ही यही हमने पढ़ाया था जी कि हमारा भाई नौकरी लगे, उसे भी शौक था कि हम गरीब परिवार के हैं और 6 बहन भाई हैं, मैं पढ़ के लिख के नौकरी लगूं और अपने भैयाओं को अपने माँ बाप को दिखाऊं कि मैं नौकरी करने। एसडीएम जसपाल सिंह ने बताया कि राजकीय सम्मान के साथ असम में शहीद हुए जयमल खान को सुपुर्द ए खाक यानी कि अंतिम विदाई दी गई। उनकी शहादत पर देश को गर्व है। प्रशासन शहीद जयमल खान जो असम में तैनात से कल्याणपुर गांव से, आज प्रशासन ने उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। हम उनकी शहादत को नमन करते हैं। इस मौके पर बिलासपुर के एसडीएम जसपाल सिंह गिल, डीएसपी सुभाष चंद्र, सडौरा के नायब तहसीलदार भारत भूषण व पूर्व विधायक बलवंत सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। इसके बाद सीआरपीएफ के जवानों ने शस्त्र झुकाकर सलामी दी। इसके साथ ही शहीद के पार्थिव शरीर को सुपुर्द खाक किया गया। इसके बाद सीआरपीएफ के जवानों ने शस्त्र झुकाकर सलामी दी। इसके साथ ही शहीद के पार्थिव शरीर को सुपुर्द खाक किया गया। प्रदेश की ताजा खबरों के लिए हरियाणा वरदान चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।